जब भी हमारे फेफड़ों का स्वास्थ्य बिगड़ता है, तब दोस्तों हमें पता चलता है कि सांस लेने के अलावा कुछ भी मायने नहीं रखता। जब भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल होने लगता है या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है, सीढ़ियां चढ़ते समय आपकी सांस बहुत ज्यादा फूलती है। कभी कभी तो ये किसी इंटरनल कमजोरी की वजह से होता है, लेकिन मोस्टली ये होता है फेफड़े में कंजेशन की वजह से। और जब हमारे फेफड़ों में बहुत ज्यादा कंजेशन होता है, यानी कि कफ बलगम जमा हो जाता है, तो उस टाइम पर अस्थमा, दमा या फिर सांस फूलने जैसी बीमारी हमें परेशान करने लगती है। और इस बीमारी के लिए कुछ घरेलू रेमेडीज भी है, जिनमें से एक रेमेडी आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि है पीपल के पत्तों के साथ। जी हाँ, पीपल हमारे घर में इजीली, हमारे हर गली मोहल्ले में आपको एक इसका छोटा उगता हुआ पौधा मिल ही जाएगा। पीपल के पत्ते बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। पीपल के पत्तों से आज हम ये रेमेडी बनाने वाले हैं दोस्तों। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं पीपल के पत्तों के। पीपल का जो पेड़ होता है, वैसे तो ये काफी ज्यादा बड़ा होता है, पर कभी कभी इसका छोटा छोटा पेड़ भी हमारे गली मोहल्ले में मिल जाता है। पीपल की पत्तियों के स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारे फायदे होते हैं, जो हमें हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। पीपल के पत्ते के फायदे चलिए हम बताते हैं आपको। ये जो है सबसे पहला काम करता है अस्थमा में, जिसकी ये रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ। सांस की समस्या से जब जुड़ी हुई परेशानी होती है, जिसमें फेफड़ों के रास्ते में सूजन या फिर टाइटनेस यानी कि कसाव उत्पन्न हो जाता है, इससे हमारे गले में घरघराहट होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में बहुत ज्यादा जकड़न होती है, और इस जकड़न के फलस्वरूप हमें खांसी आती है। अस्थमा की समस्या में पीपल के पत्ते बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसकी एक रिसर्च में ये भी पाया गया था कि पीपल के पत्ते के जो अर्क होते हैं, इसमें कुछ ऐसे विशेष गुण हो जाते हैं, विशेष गुण पाए जाते हैं, जो ब्रोंकाइटिस यानी कि अस्थमा के एक स्थिति पर प्रभावी असर दिखाता है। इसके अलावा पीपल के पत्ते पेट दर्द में, पीरियड रिलेटेड दिक्कत में, या फिर एड़ियां आपकी फटी हुई हैं, अगर डायरिया की समस्या है, या फिर जो है दांतों के लिए, ये पीपल के पत्ते बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसमें बायोएक्टिव यौगिक होते हैं, जो हमारे दांतों को हेल्दी रखने का काम करते हैं। आपका हार्ट हेल्दी नहीं है तो हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी पीपल के पत्ते प्रयोग किए जाते हैं। लीवर के लिए भी पीपल के पत्ते जो है बहुत ही अमेजिंग तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पर हमने 10 से 15 पीपल के छोटे छोटे पत्ते लिए हैं। सबसे पहले इनको आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, अच्छे से धुल कर तभी हमें इनका इस्तेमाल करना है। पीपल के पत्तों को हम क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डाल देंगे। अगर पत्ते बड़े बड़े हैं तो आप इनको थोड़ा सा चॉप भी सकते हैं। उसके बाद से मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, जिससे पत्तों को पीसने में आसानी हो। यहाँ पर बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मिक्सी के जार का ढक्कन लगाकर पीपल के पत्तों को हम पीस लेते हैं। पीपल के पत्ते हमने पीस कर तैयार कर लिए हैं। ये कुछ इस तरह से खुरदरे दरदरे पीस कर तैयार हुए हैं। अगर आप ज्यादा पत्तों को एक साथ पीसते हैं तो इसका फाइन पेस्ट बन जाएगा। मैंने यहाँ पर थोड़े ही पत्ते पीसे हैं। पीपल के पत्तों को एक किसी ग्लास बोल में या फिर क्रॉकरी के बोल में शिफ्ट कर लें। अब ये पत्तों का पेस्ट बनकर तैयार है। दोस्तों इसका सेवन कैसे करना है, इसका सेवन हम करेंगे, एक और चीज हम लेंगे जो कि है शहद। शहद भी आपके घर में इजीली अवेलेबल होगा। शहद जो है कंजेशन को दूर करने में हेल्प करता है। गले में किसी तरह की खराश होती है या फिर सांस संबंधित कोई दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा कफ बलगम जमा होता है, तो भी आपको पता है कि हम लोग शहद का यूज करते हैं। शहद जो सा भी आपके पास हो वो आप यूज कर सकते हैं। देसी शहद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। शहद को हमने लिया है और शहद जो है हम लेंगे पीपल के पत्तों के साथ। तो मैं यहाँ पर एक टाइम में आपको कितना लेना है ये मैं दिखा देती हूँ। तो लगभग हाफ छोटा चम्मच भर के मैंने पीपल के पत्तों का पेस्ट लिया है। इतना ही पेस्ट हमें एक टाइम के लिए चाहिए होगा। लगभग आप ये कह सकते हैं कि एक पत्ते का जितना पेस्ट है उतना मैंने यहाँ पर लिया है। अब एक छोटे चम्मच से हम यहाँ पर शहद डालेंगे। शहद और पीपल के पत्तों का पेस्ट अच्छे से मिला लेते हैं। ये जो पीपल के पत्ते होते हैं, ये हमारे ब्लड को शुद्ध करने में भी हमारी हेल्प करते हैं। पीपल की पत्तियों को रक्त की अशुद्धता को दूर करके त्वचा रोग को भी ठीक करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमने ये पेस्ट तैयार किया है पीपल के पत्ते और शहद का, इस पेस्ट को आपको ऐसे ही, ये पूरा एक टाइम का है, इसको लेकर आपको चाटना है। चाहे आप स्पून की हेल्प से इसको चाट सकते हैं या फिर आप अपनी उंगलियों से भी लेकर इसको चाट सकते हैं। थोड़ा थोड़ा लेकर इसको आपको पूरा अपनी जबान पर रख कर अच्छे से
जैसे चबाते हैं या चाटते हैं, तो उस तरह से धीरे धीरे इसका सेवन करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही खुराक में आपने इसको पी लिया, थोड़ा थोड़ा इस तरह से उंगलियों पर लेकर आप इसको चाट सकते हैं। मुंह में जब तक आपके हैं तब तक आप इसको चूसते रहें, उसके बाद से फिर थोड़ा सा लेकर इस तरह से करके इसे आप कम से कम इतना सा मिक्सचर खत्म करने में आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा। 5 से 10 मिनट बाद आप इसके बाद कुछ भी खाएं पिए नहीं, थोड़ा सा गैप दें 25 से 30 मिनट का, उसके बाद ही आप कोई पानी वगैरह पिए। ये काम आपको पूरे दिन में 2 बार करना है, एक बार सुबह करना है, एक बार शाम करना है। शाम को जब आपको रेमेडी ये बनानी हो तभी आप इसमें शहद मिलाएं। शहद मिलाकर ना रखें, जब भी आपको ये चीज चाटनी हो तभी आप पीपल के पत्तों का पेस्ट लेकर उसमें शहद डालकर फिर इसको इस्तेमाल करें। पेस्ट बनाकर आप चाहें तो फ्रिज में डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कि जब आपको इसके पेस्ट को खाना हो, लेना हो, तो इसे नॉर्मल कंडीशन में लेकर तभी आप इसका यूज करें, क्योंकि ठंडी चीजें सांस की बीमारी में बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। तो हो सके तो पीपल के पत्तों का पेस्ट आप फ्रेश ही पीसें और उसके बाद से इसको कंज्यूम करें। दिन भर में 2 बार लीजिए दोस्तों, और इसको कम से कम आप 10 से 15 दिनों तक करिए, फिर देखिए आपको हाथों हाथ रिलीफ मिलने लगेगा। बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है दोस्तों, और बहुत ही अच्छी तरीके से सांस की बीमारी में, अस्थमा में, सांस फूलने की कोई भी समस्या हो उस पर ये वर्क करती है। अब बढ़ते हैं हमारे आज की दूसरी रेमेडी की तरफ। दूसरी जो चीज हम इस समस्या के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं वो है दोस्तों अदरक। अदरक इजीली अवेलेबल होता है। अदरक जो होता है उसमें कुछ ऐसे तत्व शामिल होते हैं जिससे सांस मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले आरएसवी वायरस से लड़ने की क्षमता होती है। इससे सांस फूलने की तकलीफ को बहुत आसानी से दूर किया जा सकता है। या आप अदरक को ऐसे चबा कर खा सकते हैं, लेकिन अदरक की जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ उसको आप अगर सुबह शाम 2 बार लीजिए तो फिर जो है आपको बहुत ज्यादा और बहुत ही जल्दी इसके हेल्थ रिजल्ट मिलेंगे। हमने क्या किया है कि अदरक के एक छोटे से 1 इंच के टुकड़े को यहाँ पर क्रश कर लिया है। अदरक को क्रश कर सकते हैं या फिर आप कूट सकते हैं या फिर आप इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, जैसे चाहें वैसे आप इस्तेमाल करिए। अब हम क्या करेंगे, हमने एक छोटा सा बर्तन लिया है गैस पर और इसमें हम डालेंगे 1 गिलास भर के पानी। तो एक बड़े कप से मैं यहाँ पर नाप रही हूँ, आप एक नॉर्मल गिलास से भी पानी को नाप सकते हैं। पानी में हम क्या करेंगे, जो हमने अदरक को क्रश करके रखा है उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अदरक को हमें यहाँ पर पानी के साथ अच्छे से उबालना होगा। तो जितनी अदरक मैंने क्रश करी थी वो सारी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब एक बार इस पानी में अच्छे से उबाल आने देंगे। अब इस अदरक वाले पानी में जैसे ही उबाल आ जाए तब हम गैस की फ्लेम को एकदम सिम करेंगे और इस पानी को हम पकाएंगे कम से कम 5 से 7 मिनट तक। सिम फ्लेम पर जितना ही धीमे धीमे हम इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे उतनी ही देर जो है ये हमारे अदरक के जो पोषक तत्व हैं वो पानी में आ जाते हैं। और उसके बाद से जो है इसको पकाने के बाद आप देख रहे हैं एक बड़ा कप जितना मैंने पानी लिया था वो पककर बहुत थोड़ा रह गया है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप इसमें चीनी का यूज ना करें, बस मैंने यहाँ पर इसमें स्वाद के लिए थोड़ी सी चीनी डाली है। आप चाहें तो इसे बिना चीनी के बहुत आसानी से ले सकते हैं। और उसके बाद से जब ये पानी हमारा अच्छे से पक जाए तो हल्का सा ठंडा करके इसको छान लीजिए। और ये जो पानी है दोस्तों, ये जो काढ़ा अदरक का बनकर तैयार हुआ है, इसे आपको लेना है सुबह और शाम। सुबह और शाम एक एक कप लेना है। इससे आप देखेंगे कि आपके फेफड़े की जो कंजेशन है वो दूर होने लगी है। अगर आपको दमा की भी शिकायत है, आपकी अस्थमा की कितनी भी दवाइयां चल रही हो, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप इस घरेलू रेमेडीज को ट्राई करेंगे तो आपको बहुत ही इसके बेनिफिशियल रिजल्ट मिलेंगे। या तो आप पीपल के पत्तों वाला रेमेडी ट्राई कर सकते हैं या फिर ये अदरक के पानी वाला। दोनों ही चीजें बहुत ही हेल्पफुल है। दोनों में से कोई भी एक रेमेडी आप कम से कम 15 दिनों के लिए ट्राई करिए और फिर आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेमेडीज कैसी लगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो हेल्पफुल है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।